आप देख रहे हैं मिसिर दवा न्यूज रामपुर बघेलान से संवाददाता रामदत्त दाहिया की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, सतना जिले के रामपुर बघेलान का लाल कश्मीर में शहीद। दो आतंकियों को ढेर कर देश पर कुर्बान हुए 26 साल के कर्णवीर। सिर और सीने में लगी गोली। कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर में सतना के वीर जवान कर्णवीर सिंह राजपूत अपना शौर्य दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 26 साल के कर्णवीर सतना शहर के रहने वाले रिटायर्ड फौजी राजू सिंह के बेटे थे। बेटे की शहादत की खबर परिजनों तक पहुंची चुकी है। दो आतंकियों को मारने के बाद गोलीबारी में वे जख्मी हो गए थे। कर्णवीर 21 राजपूत रेजिमेंट 44 आर आर्मी कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर में सतना के वीर जवान कर्णवीर सिंह राजपूत अपना शौर्य दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 26 साल के कर्णवीर सतना शहर के रहने वाले रिटायर्ड फौजी राजू सिंह के बेटे थे। बेटे की शहादत की खबर परिजनों तक पहुंची चुकी है। दो आतंकियों को मारने के बाद गोलीबारी में वे जख्मी हो गए थे। कर्णवीर 21 राजपूत रेजिमेंट 44 आर आर्मी में तैनात थे। कर्णवीर मूतल सतना जिले के ग्राम दलदल के निवासी थे। शहीद हुए कर्णवीर वैसे तो मूलत सतना जिले के ग्राम दलदल के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि रात से आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में सतना के कर्णवीर मोर्चा संभाले थे, लेकिन सुबह करीब 4 बजे आतंकियों की गोली उनके सिर और सीने पर लगी। इस मुठभेड़ में 5 और जवान घायल हुए हैं। भाई के साथ कर्णवीर बाएं, दो भाई में छोटे थे कर्णवीर। दो भाइयों में कर्णवीर छोटे थे, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। मंगलवार को सुबह उन्होंने पिता से बात की थी, लेकिन फिर उन्होंने फोन नहीं उठाया। बुधवार दोपहर 12 बजे पिता को सूचना मिली कि उनके लाल ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। यह खबर मिलते ही क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया, माँ की तबीयत बिगड़ गई। उधर शहादत की खबर मिलते ही विधायक रामपुर विक्रम सिंह विक्की और अपर कलेक्टर राजेश शाही शहीद के घर पहुंच गए। 2 महीने पहले आए थे सतना। जानकारी के मुताबिक आतंकी कार से आए थे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग में कर्णवीर शहीद हो गए। वह 2017 में सूबेदार पद पर सेना में भर्ती हुए थे। 2 महीने पहले ही वे सतना आए थे। शहीद के पिता रविवार कुमार सिंह भी सेना में सूबेदार थे।